यो व्हाट इज अप गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का पाल वर्ल्ड की दुनिया में। लास्ट वीडियो में तुमने इतना सपोर्ट दिखाया जितना लोग बिग बॉस में कटारिया को दिखा रहे हैं, लेकिन ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। सो लेट्स बिगिन। आज जो मेरा टास्क है, पहले तो हमें कुछ अपने पोकेमॉन्स की संख्या बढ़ानी है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही गिने चुने पोकेमॉन्स हैं। बड़े बॉस को पकड़ने की कोशिश करने वाला हूं आज, तो इसके लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। और यहां पर भाई हमारे लांबा को पता नहीं क्या हो गया है, भूख के मारे तड़प तड़प के उसकी हालत खस्ता हो गई है। तो सबसे पहले तो गाइस मुझे इनकी भूख का इलाज करना पड़ेगा, वरना ये पूरा दिन ऐसे ही सोते रहेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। तो ये बना दिया हमने इनके लिए फीड बॉक्स, इसमें बहुत सारा खाना रख देता हूँ मैं, जिससे कि ये आराम से खाते रहेंगे दिन भर। खा ले भाई खा ले, देख रहे हो भाई लांबा कितना भूखा था, आते ही लग गया भाई खाने के लिए। अगर हमें पोकेमॉन्स को जाकर पकड़ना है तो हमारे पास वेपन्स तो होने चाहिए और एक बढ़िया से शील्ड भी होनी चाहिए, जो कि फिलहाल हमारे पास नहीं है। भाई इसमें लकड़ियां बहुत काटनी पड़ती है यार, छोटी छोटी चीजों को बनाने के लिए भी लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, या कोई ऐसा पोकेमॉन हो जो हमारे लिए लकड़ियां काट काट कर इकट्ठी करता रहे। ओके गाइस, तो अभी हमें टास्क मिला है कि हमें अपने लिए क्लॉथ्स बनाने हैं, तो जल्दी से पहले अपने लिए क्लॉथ्स बना लेते हैं। ऐसे नंगे पुंगे कब तक घूमते रहेंगे, क्लॉथ्स होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके गाइस, तो क्लॉथ्स हमारे बस तैयारी होने वाले हैं, देखते हैं भाई कैसा लगता है हमारे ऊपर ये जादुई चोगा। तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब यार क्या ही लग रहा है ऐसा लग रहा है भाई। ठीक है यार, मतलब जैसा भी है, अभी और भी अच्छे अच्छे होंगे भाई, लेकिन ये अभी बेसिक वाला है इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ओके गाइस, तो मैं अपने लिए बनाने वाला हूँ एक स्टैचू पावर, इससे पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होना चाहिए इससे। हो सकता है गाइस ये हमारी पावर को बढ़ाने में हेल्प करे। लो भाई बनके तैयार हो गया हमारा स्टैचू ऑफ द पावर। ओके गाइस, तो हमारा टारगेट है इन 5 लांबाओं को पकड़ना है हमें सबसे पहले। तो एक तो भाई ये तो वैसे ही आ गया पकड़ में भाई, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अभी मुझे 3 लांबाओं को और पकड़ना है जल्दी से जल्दी, जिससे कि हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन लांबाज हैं कहाँ भाई, एक वो ऊपर से आ रहा है, मैंने उसको भयंकर तीर मारा अभी, किधर गया? ओ भाई साले नीचे से मारेगा, रुक जा भाई तेरी भैंस की आंख। छोटा सा है लेकिन इतना ऊंचे उछ के मार दिया उसने मुझे। ये गया भाई तीसरा लांबा। ओके गाइस, तीसरा लांबा अभी हमने पकड़ लिया, अभी 2 लांबा और बचे हुए हैं। किधर है भाई तुम? इन दोनों को पकड़ लेंगे तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। चलो 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 चलो, हमला हमला हमला, इनको तो मैं अकेले ही मार दूंगा भाई, इनके लिए मुझे पोकेमॉन लाने की जरूरत नहीं है। पकड़ लिया, एक और गया, एक और किधर है, तू भी आ जा भाई। ओके गाइस, 5 पोकेमॉन। अरे एक साला बाहर निकल के आ गया भाई, अब तो पकड़ जा, कम ऑन कम ऑन। ओके गाइस, 5 लांबाज को हमने पकड़ लिया है, ये टास्क तो हमारा बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ भाई, क्यों ना मैं इन हिरण से पंगा ले जाए, क्योंकि अभी हमारी ताकत थोड़ी बहुत तो ज्यादा बढ़ी गई है, तो मैं इन हिरण को तो भाई आसानी से लड़ी सकता हूँ, इनकी लेवल 10 है, ठीक है ना? तो भाई चल जाएगा, इतना तो झेल लेंगे भाई हम। चलो भाई देखते हैं आज किस में कितना एकदम। ओ भाई क्या स्पीड अटैक मारा इसने, चल भाई अटैक कर इसके ऊपर, लगा साले के ऊपर लगा। ये पड़ी। अरे भाई एक और निशाना, ओ तेरी की भाई, शील्ड गई मेरी, शील्ड खत्म कर दी साले ने। मार भाई मार, लगा। अरे भाई इधर मत आइयो बस इधर मत। ओ भाई गया भाई, मरने वाला है, इसको पकड़ता हूँ जल्दी से गाइस। ओ भाई पकड़ में आजा, प्लीज। ओ शिट यार, बाहर निकल गया भाई, ये तो बहुत खतरनाक है गाइस। एक और ट्राई गाइस, कम ऑन। 68, 99, 100% यस। ओके गाइस, हमने एक बहुत ही अच्छा डियर पकड़ लिया है, जो कि हमारा आई थिंक ये बहुत ही, इसका साथ ही आ गया भाई अटैक करने के लिए मेरे ऊपर। ओ तिरकी फायर अटैक फेंका भाई इसने। मार भाई मार, मेरा पोकेमॉन किधर गया? खत्म करो भाई, एक पकड़ लिया हमने, बस एक से ही काम हो जाएगा। बहुत अच्छे, जमा दे साले को, जमा दे भाई। ओ भाई एरो खत्म हो गए मेरे, ये क्या है? बहुत बढ़िया, मैं अटैक कर सकता हूँ अभी जाके भाई, इसको फोड़ दूंगा भाई। मार भाई, जल्दी मार। अरे भाई 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 खतरनाक। चलो भाई खत्म कर दिया। आज का दिन तो गाइस बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक था, आज हमने पकड़ लिया एक 10 लेवल का डियर। धीरे धीरे करके हमारी ऐसी ही पावर बढ़ती जाएगी, और फिर मैं एक दिन उस हाथी को मारूंगा साले को, इसने भाई मेरी बैंड बजाई थी ना बुरी तरीके से भाई,
लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, अभी हमारे लेवल कम है तो अभी हम इससे पंगा नहीं ले सकते बिल्कुल भी। ओके गाइस, तो एक पोकेमोन है जो कि हमारे बेस के सबसे ज्यादा पास है, जो कि है चिलेट। तो चलो हम चलते हैं इस चिलेट के पास और देखते हैं भाई कितना चिल कर सकते हैं हम इसके साथ। ये मेरे ऊपर अटैक करेगा, ये खरगोश है, ये क्या है, ये खरगोश और गिलहरी का कॉम्बिनेशन लग रहा है ये मुझे। चलो गाइस डियर से अटैक करवाते हैं। ले भाई छक्का लगा दिया, बहुत अच्छे भाई, पहली फाइट हमारे डियर के साथ होने वाली है इस चिलेट की। आजा भाई मैदान में आजा, उधर से क्या, ओ तुर्की इतना खतरनाक अटैक। आओ भाई फायरफॉक्स से लड़ते हैं, फायरफॉक्स के अटैक भाई ज़्यादा अच्छे रहेंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि ये फायर है और उसके पास भाई वाटर पोकेमोन लग रहा है ये मुझे। इसके कलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ब्लू ब्लू सा है ना गाइस, तो ये वाटर पोकेमोन है, तो इसके लिए फायर पोकेमोन बहुत ही बेस्ट रहेगा। आग लगा दी भाई, बढ़िया, ये फायर अटैक बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अरे इधर से कौन मार रहा है ये, उत्तरी की भाई बीच में कौन कूद गया भाई युद्ध करने हमसे। अरे भाई ये छोटे छोटे हाथी ये भी लड़ रहे हैं हमारे लिए, बहुत अच्छे गाइस। अभी हम इसको पकड़ सकते हैं आई थिंक, पकड़ ले भाई, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। ओके ओके गाइस, इस बार मैंने ग्रीन वाली बॉल यूज़ करी है, क्योंकि ये बड़े बड़े पोकेमोन को पकड़ने के लिए ये सही रहती है ये वाली बॉल। ओके 100%। ओके गाइस, तो हमने पहला बॉस पोकेमोन पकड़ लिया है जो कि है चिलेट, और हमारे फॉक्स ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। चल भाई आ जा अंदर, अभी हम जा रहे हैं वापस से अपने बेस पर, क्योंकि आज का हमारा जो टारगेट था भाई वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने इजीली चिलेट को पकड़ लिया है। भाई ये क्या हो गया, मैं मर गया भाई, बीच पानी में जाके लोर गया ये तो, कैसे कैसे, मेरा सारा सामान वहीं पे छूट गया यार ऊपर, अभी मुझे जाना पड़ेगा उठाने। आई होप यार वीडियो तुमको अच्छी लगी होगी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।